टेक्निकल इश्यूज, साउंड चेक सगळं करू आपण. इथलं माईकला काय होतं काय माहिती, तुम्ही ऑनच करा. केलंय का गो लाईव्ह? चेक चेक साउंड चेक. लिंक आहे का यूट्यूबवर? टेलिग्रामवर पण टाका बरं हेमंत लिंक. चेक साउंड चेक. हॅलो हॅलो, जस्ट चेक द साउंड बिकॉज वन ऑर टू डेज वी आर हॅविंग इश्यूज. आय हॅव जस्ट स्टार्टेड सो दॅट वी कॅन चेक द साउंड. चेक साउंड चेक. आवाज जास्ती आहे का? एकदा चेक करा. हॅलो 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 साउंड चेक. इथला जरा कमी करता का आवाज? टेलिग्रामवर शेअर करता का लिंक? एक ग्रुप इस पे क्यों बनाया, किसने बनाया? व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं चाहिए, टेलीग्राम पे बनाएंगे. हु इज मेड द ग्रुप? आई थिंक ओके. जस्ट चेक बेटा, जस्ट चेक द साउंड बिकॉज टेक्निकली की वजह से आई एम फर्स्ट जस्ट चेकिंग द साउंड. इफ द साउंड इज ओके देन वी गेट स्टार्टेड. आवाज जातो हेमंत मध्ये मध्ये का? तुम्ही कमी करताय. हॅलो हॅलो, येस प्लीज एव्हरीबडी जस्ट चेक द साउंड. इफ द साउंड इज ग्रेट देन आय कॅन कंटिन्यू. दिस वॉज रेसिडेन्शियल स्टेटस, आय एम टीचिंग देअर. Please join in. I'm all good. So just waiting for you all to join. आज कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? येस. नोट्स की अभी ज़रूरत नहीं है तो अभी नहीं शेयर करूँगी. जब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस या कुछ शेयर करना होगा तब मैं शेयर करूँगी. अभी तो फिलहाल पीजीपीपी का जनरल थ्योरी ही चल रहा है. काय चालू आहे हेमंत? ओके, आणि मला ह्याच्यावर लिंक टाकता टेलिग्रामवर आपल्या. आज साऊंड इज क्लिअर ना? देअर इज नो प्रॉब्लेम विथ द साऊंड. नहीं, नॉट फॉर यू ऑल. वेट, मेरे को वो चेक करने दे. गाइज जस्ट चेक लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, इज द साउंड ओके? एवरीथिंग ओके सो आई कैन गेट? एक बार फिर स्टार्ट किया तो फिर कोई नहीं. नो गोविंद, वॉइस इज नॉट एको. आई थिंक इट मस्ट बी फ्रॉम योर एंड. एको तो नहीं है? करू का स्टार्ट? लाईट बेटर होईल का राहिलं तर? हा ठीक आहे, मग मी काय करीन, मला बॅटरी लो झाली की तर तेव्हा लाईट काढून टाकू. चालेल, पण ओके, व्हिडिओला काय प्रॉब्लेम तसा येत नाही आहे.
रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब यहाँ पे वो यूट्यूब पे लगाया इसलिए तुमको वो सुनाई दे रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ओके okay. ओके यस नाउ चेक ओके गाइस हियर वी आर लेट्स स्टार्ट यस सो नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वी आर ऑन द सेकंड लेक्चर दिस इज पीजीपीपी का लेक्चर सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू विथ फुल ऑफ एनर्जी लेट्स स्टार्ट आवर त्रिशूल बैच वेर इन हम पीजीपीपी का जितना पार्ट हो सकता है आज कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे हेमंत है ना टीवी ऑन करो देना ओके अब सुनते ध्यान से सुनते हैं यस बेटा कल मैंने आपको क्या सिखाया था आई वॉज ऑन सेक्शन 32 हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन की इज डेप्रिसिएशन कंपल्सरी यस डेप्रिसिएशन इज कंपल्सरी देन यू मस्ट ऑल्सो नो लेट्स अंडरस्टैंड क्या डेप्रिसिएशन कंपल्सरी है बिल्कुल डेप्रिसिएशन क्लेम करना कंपल्सरी होता है डेप्रिसिएशन WDV और SLM का ऑप्शन होता है लेकिन वो किसके लिए होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज के लिए होता है बिल्कुल नाउ लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड या सेक्शन 35 भी कल हो गया था साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन भी हमारा कल कंप्लीट हो गया था सो वी फिनिश सेक्शन 35 दैट इज साइंटिफिक रिसर्च का ओके यस अब आगे जाएंगे सेक्शन 35 AD फोकस करेंगे ठीक है नाउ सेक्शन 35 AD से रिलेटेड नाउ एक काम करेंगे लास्ट के थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी फिर बीच में हम क्वेरीज के लिए टाइम रखेंगे तो आपको जो भी क्वेरीज होगी आप बीच में पूछ सकते हो सो दैट द फ्लो ऑफ द लेक्चर इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब इज दैट ओके या नाउ लेट्स गो अहेड आई विल वांट टू डिस्कस विथ यू आपकी नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए यू मस्ट हैव अ नोटबुक एंड अ पेन कीप राइटिंग बिकॉज राइटिंग करने से डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है नहीं तो आप यहां वहां आपका मन भटक जाएगा ठीक है सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज सेक्शन 35 AD सेक्शन 35 AD इज स्पेसिफाइड बिजनेसेस क्या है सेक्शन 35 AD देर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस प्लीज नोट डाउन देर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस पीजीबीपी करने के बाद थोड़ा सा सैलरी करने के बाद मेरा प्लान है डायरेक्टली क्या स्टार्ट करेंगे पेपर सॉल्विंग पे स्टार्ट करेंगे ओके आई वांट यू टू डू लिटिल बिट ऑफ पेपर सॉल्विंग इन इनकम टैक्स एंड गेट कॉन्फिडेंस ओवर देयर यस सो हियर 35 AD देर आर 14 स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है इन 14 स्पेसिफाइड बिजनेस में अलावेबल एक्सपेंडिचर जो होता है अलावेबल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो भी आपने कैपेक्स किया होगा इस बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी होगी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया होगा आपका जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट इज फुल्ली अलावेबल करेक्ट सो प्लीज नोट डाउन 35 AD इज 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस एंड अलावेबल एक्सपेंडिचर कितना होगा अलावेबल एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कैपेक्स अलाव होता है लेकिन एक कैपेक्स कभी भी अलाव नहीं होता और वो होता है कॉस्ट ऑफ लैंड कभी भी अलाव नहीं होगा बिकॉज लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल असेट लैंड इज अ एप्रिसिएबल असेट लैंड ये डेप्रिसिएबल असेट नहीं है बट इट इज एन एप्रिसिएबल असेट सो 14 स्पेसिफाइड बिजनेस अलावेबल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपेक्स होगा अच्छा एक बार मैंने अगर प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया और बेटा प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 50 लाख से तो आप क्या करोगे एंटायर 50 लाख विल बी अलावेबल एक्सपेंडिचर तो एंटायर 50 लाख क्या होगा अलावेबल एक्सपेंडिचर होगा करेक्ट हाँ देन फिर इस 50 लाख में फिर से डेप्रिसिएशन लोगे क्या नहीं यू कांट क्लेम डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन इज दैट ओके बिकॉज होल कैपेक्स इज अलाउड देन यू कैनॉट क्लेम डेप्रिसिएशन होल कैपेक्स इज अलाउड देन यू कैनॉट क्लेम डेप्रिसिएशन तो कोई भी फिर हम डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे इज दैट ओके आर यू गेटिंग दिस यस यहाँ पे पता है एक स्टार परफॉर्मर ये है कि आपने ना ये जो मशीनरी होता है बिजनेस में 8 साल के लिए तो यूज करना चाहिए ठीक है अगर आप इसको बेच दोगे
तो फाइनली बेचने पे जो भी पैसे आएंगे फाइनली, हाँ, तो एक तो वो बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा, प्लस आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपने 8 साल से पहले ही उसको बेच दिया तो आपने जो भी 35 AD का खर्चा क्लेम किया होगा वो आपका इनकम हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पहले खर्चा था, उसका उल्टा क्या होता है, रिवर्स हो जाएगा। मतलब खर्चा विल नाउ बिकम योर इनकम, दैट एक्सपेंडिचर विल नाउ बी ट्रीटेड एज योर इनकम। हाँ, तो प्लीज याद रखना अगर आप ये मशीनरी पहले ही सेल, नहीं तो लोग इस टाइप का जुगाड़ करेंगे ना यार, लोग क्या करेंगे, इस टाइप का जुगाड़ करेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, 35D क्लेम कर देंगे और उसको बेच देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ये और कहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, सेट ऑफ के चैप्टर में। सेट ऑफ के चैप्टर में ये याद रखना है कि स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट, मतलब कोई भी 14 बिजनेसेस का लॉस होता तो वो कोई भी 14 बिजनेसेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। करेक्ट, उसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। यहां आईसीआर ये जानना चाहती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता कि बेटा अगर आपने इसको 35 AD में एक बार क्लेम कर दिया देन कैन यू क्लेम डेप्रिसिएशन। द आंसर इज नो, यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन। करेक्ट, देखो मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपके साथ पेपर सॉल्विंग इमीडिएटली करूं, बट दैट्स नॉट फेयर, बिकॉज क्या होगा, थोड़ा सा आपको एक रिकैप देना बहुत जरूरी है, एक पीजीबीपी का, थोड़ा सैलरी का, एंड देन वी विल स्टार्ट विद पेपर सॉल्विंग। यस, फिर क्या हो गया, वो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो पेपर सॉल्विंग के साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। सो ये कौन से 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस है। अच्छा, यहाँ पे ना कौन से कैपेक्स नहीं अलाउड है, इसमें कैपेक्स किसका नहीं मिलेगा, लैंड का कैपेक्स नहीं मिलेगा, लैंड का कैपेक्स नहीं मिलेगा, लैंड के बाद किसका नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल इज नॉट अलाउड, एंड एक्सपेंसेस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल असेट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर कोई आपका कैपेक्स हुआ है तो ये तीन खर्चे अलाव नहीं होंगे, ये तीनों खर्चे अलाव नहीं होंगे। आपका जो भी पॉइंट नोटबुक में आपने लिखा है डेप्रिसिएशन गुडविल के बारे में, प्लीज वहां पे नोट कर दीजिए कि इनटेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन मिलता है एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन, गुडविल इज नॉट एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या ये सबको? यस, आर वी ऑल ओके विद दिस? यस, नाउ लेट्स गो अहेड। दिस वाज 35 AD, 35 AD में भी वो 10,000 का लिमिट है बेटा, 35 AD में भी क्या लिमिट है, 10,000 का। माने अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी, मैंने आपको बोला 50 लाख से, पता है मैंने कैसे खरीदा, मैंने 1 लाख कैश में दिया, 1 लाख कैसे दिया, कैश में दिया, और 49 लाख मैंने चेक से दिया। 35 AD में कितना खर्चा अलाव होगा, 49 लाख, 49 लाख विल बी अलावेबल एक्सपेंडिचर। कैश में पेमेंट करोगे तो उसका 35 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, 10,000 के ऊपर कैश में नहीं करना है, नहीं करना है, अप टू 10,000 होगा तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ओके, कम ऑन, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बी क्विकली ज्वाइन सो दैट वी कैन, यू नो आज लिंक भी लग गया है, जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं उतना करेंगे। मैम अगर 8 ईयर्स होने से पहले नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में लगा लिया तो, 8 ईयर्स होने से पहले अगर आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में बेच दिया तो पहले आपने 35D क्लेम किया होगा, वो आपका इनकम बन जाएगा, वो इनकम बन जाएगा, है ना, क्या हो गया, हाँ पूरा 1 लाख, ऑफकोर्स, यस, ये डाउट नहीं आना, ये क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऐसे बता दिया, मतलब इसका मतलब है कि एक बार 10,000 क्रॉस कर दिया तो पूरा 1 लाख पे डेप्रिसिएशन या वो 35 AD में कंसिडर नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, जस्ट हैव वाटर। यस, तो सृष्टि तेरी क्वेरी सॉल्व हो गई क्या, कि 8 ईयर्स होने से पहले, 8 ईयर्स होने से पहले अगर आपने उसको नॉन स्पेसिफाइड में शिफ्ट कर दिया तो बॉस जितना भी आपने क्लेम किया होगा 50 लाख पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ओह माय गॉड, कोई कुछ बोल सकता है इसमें? मैं बोलती हूँ क्या, सुनना, सुनो मैं बोलती हूँ क्या, हाँ हाँ मैं KYC भी भेजती हूँ, सब भेजती हूँ, बट जरा रुक जाओ, सेटल होने दो। गूगल फॉर्म भी मैंने नहीं बोला, आज टीम को बोलती हूँ, क्या था थोड़ा सा क्लासरूम का टेक्निकल इशू की वजह से अभी सेटल हो गया आज, तो फिर कल से देन वील गेट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो डन। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट
आई नो आई विल सेंड केवाईसी, वी विल हैव अ ग्रुप एंड वील डू इट. एक ग्रुप बनाए बट वो व्हाट्सएप पे बनाए, आई वुड प्रीफर अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम. या ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. ये देखो, मैंने ईयर वन में, सुन के लेना, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया 50 लाख का. क्या होगा, आप 35 AD का खर्चा क्लेम करोगे, कितना, 50 लाख का. आप कितना खर्चा क्लेम करोगे, 50 लाख का, करेक्ट. सो आई विल क्लेम एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख, करेक्ट. तो मैंने 50 लाख का खर्चा क्लेम कर दिया. अब क्या होगा मैम, ईयर टू में आपने जुगाड़ कर दिया, आपने छोड़ा, सोचा चलो ये मशीनरी को बेच डालेंगे, मशीनरी को क्या करेंगे, बेच डालेंगे. सो आई सोल्ड दिस मशीनरी. हाँ, अब तुमने बेचा, अब सुनना ईयर टू में क्या होगा, ये जो एक्सपेंडिचर था उसका ऑपोजिट होगा. एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करना है. बॉस हमने खर्चा अलाउ कर दिया लेकिन तुमने चीटिंग कर दी, तुमने मशीनरी बेच दिया. आई एम नॉट सपोज टू सेल इट फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years एटलीस्ट. सो व्हाट विल हैपन नाउ मैम, ये एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा, माने इनकम हो जाएगा. लेकिन इनकम होते वक्त मैं लिखूंगी, Can anybody think how? Can you think how did I write this? I want you to think. Come on, come on. Put on your thinking caps. हाँ, तो आप क्या बोलोगे AO को, वो AO खड़ूस ऑफिसर है. तुम बोलते है, अच्छा मैंने गलती कर ली ना, चल तुझे 35 AD नहीं देना है. 35 AD मत दे दे यार, डेप्रिसिएशन तो दे दे. यू डोंट वॉन्ट टू गिव मी 35 AD, डोंट गिव मी 35 AD. बॉस गिव मी एटलीस्ट डेप्रिसिएशन, गिव मी एटलीस्ट डेप्रिसिएशन. तो मुझे डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा. सो यहां मैं लिखूंगी, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड विद इन हाउ मेनी इयर्स, 8 years, 35 AD benefit will not be available. So 35 AD benefit will be reversed. मैम ये बेनिफिट कैसे हो गया? अरे खर्चे क्लेम करने से इनकम कम होता है, इनकम कम होने से टैक्स कम आता है, तो ये बेनिफिट ही हुआ ना भाई. क्या हुआ, बेनिफिट तो हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग वॉट इज दिस? दिस इज डेफिनेटली Yes, a benefit. बिल्कुल सही, सही जवाब आ रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं आप सब लोग. लिखते जाओ, लिखते जाओ. मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, PGBP और सैलरी इंपॉर्टेंट, तीन तो बड़े चैप्टर्स हैं, PGBP, सैलरी और कैपिटल गेंस. आप पहले चैप्टर पे ऐसे बोलोगे कि मैम ये क्या है, तो नहीं चलेगा. ये तो तीन ही तो बड़े टॉपिक्स है, फिर सब छोटे ही है. मैं कैमरा पे देख के बोल रही हूँ. नहीं नहीं, कोई बोल नहीं रहा, मैं बोल रही हूँ. बेनिफिट विल बी रिवर्स बॉस. लेकिन रिवर्स करते वक्त तुम AO को क्या बोलेगो, तुम क्या बोलोगे कि बाबा तुमको नहीं रहने का 35 AD मत दे, डेप्रिसिएशन तो दे देना. चलो ईयर वन का 35 AD तेरे को रिवर्स करने का है, वो कर दे. तो यार 50 लाख AO बोलता है मैं नहीं अलाउ करता, जा, आई विल नॉट अलाउ इट. ऐसे मत दे, चल डेप्रिसिएशन तो दे दे. सो डेप्रिसिएशन कितना दोगे, 7,50,000. तो नेट क्या होगा, 42,50,000 विल बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रॉफिट एंड डू यू नो दिस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स. जनरली बिजनेस लॉसेज, जनरली लॉसेज आर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 years, बट स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स. क्या करने का पता है, ऐसा कुछ हो गया ना, ताबड़तोब हेडलाइंस में लिखने का. पीजीबीपी से रिलेटेड नहीं है, हेडलाइंस इज टॉप रेड मार्जिन, हेडलाइन इज टॉप रेड मार्जिन. ताबड़तोब हेडलाइन में लिख दो, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अरे कॉन्फिडेंस तो तुम्हारा बढ़ेगा, डोंट वरी, चिंता ही नहीं करना. मैम सेकेंड ईयर के शुरुआत में या बीच में किया तो भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा. यू आर क्लेमिंग दिस इज अ डेप्रिसिएशन फॉर ईयर वन बेटा. हाँ, तू ये डेप्रिसिएशन ईयर वन का ले रहा है, फिर ईयर टू में मशीनरी आ गया, 35 AD नहीं मिलेगा, तो उस साल का डेप्रिसिएशन उस साल में ले लेना.
How did we get 7,50,000? 7,50,000, what is the rate of depreciation on plant and machinery? 15% on 50 lakhs. 15% on 50 lakhs. Correct? तो खड़ू से वो एओ एओ बोलता मैं नहीं अलाउ करता 35 डिज जा तेरे को मशीनरी बेच दिया तो मत देना चल डेप्रिसिएशन तो दे दे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 15% प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 15% ₹52 लाख में वगैरह सेल किया वो अलग बात है ये खर्चा अलाउ हो रहा है इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं हाँ वो कैपिटल गेन्स का अलग बात है डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स लाइक दैट आई एम टीचिंग दिस फॉर May 23 आई एम गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स यस आई एम गोइंग टू कवर ऑल द अमेंडमेंट्स डू यू नो फॉर मे 23 आपके लिए पी वाई कौन सा है 22 23 ए वाई 23 24 आई एम टीचिंग यू फाइनेंस एक्ट 22 फाइनेंस एक्ट 23 अभी आने वाला है 1 फरवरी को बजट आएगा ना बजट आने के बाद किसी ने मुझे मैसेज भेजा तो देखना वो मैम वो ये जो बजट आया ना 1 फरवरी को 1 फरवरी को मुझे इतने सारे मैसेज आएंगे मैम ये चेंजेस हमको एप्लीकेबल है क्या अरे उसको एक्ट तो बनने दे पहले वो बजट है एक्ट पास होगा पता है फाइनेंस एक्ट 23 जो अब निर्मला सीतारामन पढ़ने वाली है 1 फरवरी 2023 को 11 बजे बजट है दैट डे शी इज गोइंग टू रीड इट एंड दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर पीवाई 23 24 एवाई 24 25 मींस इट इज एप्लीकेबल फॉर May 24 एग्जाम्स तुम्हारा May 24 का प्लान है क्या नहीं ना तो फिर सवाल नहीं हाँ तुम्हारा May 23 का प्लान है ना सो May 23 के लिए फाइनेंस एक्ट 22 है फाइनेंस एक्ट 22 जो मैं पढ़ा रही हूँ वो May 23 के लिए है और November 23 के लिए सो ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो May 23 अटेम्प्ट के बच्चे November 23 अटेम्प्ट के बच्चे देख सकते हैं मैम लेकिन November 23 में तो ओल्ड एंड न्यू आने वाला है टॉपिक सेम है तीन नए चैप्टर ऐड हो गए सिर्फ GST में तीन टॉपिक्स ऐड हो गए समझा क्या एग्जैक्टली ये जो कॉमन है वो तो है ही नो आई एम सेइंग बाद में ये लेक्चर्स November 23 के बच्चों को देखना है यूट्यूब पर रहेगा देख सकते क्या हाँ दीज लेक्चर्स आर फॉर May 23 November 23 हाँ फाइनेंस एक्ट 23 जो अगला आएगा बॉस वो अगले May 24 और November 24 के लिए होने वाला है समझ में आता है तू ऑडिट के क्लास को नहीं गए क्या आज हाँ ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लेट्स गो अहेड नाउ नहीं नहीं उसका क्लास चल रहा है ना इसलिए बाय ओके तो सुनो जिसने मुझे 15% का क्वेरी पूछा था उसको वो समझ में आ गया कि अभी कि 15% कहां से आया देखा क्या तुमने अभी ये क्या हुआ एओ बोलेगा ये अलाउ नहीं होगा लेकिन 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे समझ में आ गया क्या यस ओके सुशांत हाउ टू स्कोर मोर देन 50 मार्क्स अटेंड माय लेक्चर्स एवरी डे तुमको क्या है उससे लेके हाँ आगे सुनो अभी यस अब देखो ये हो गया क्या 35 AD की और क्या क्या चीज है मैम 35 AD किस पे मिलेगा कैपेक्स का पूरा खर्चा अलाउ होगा करेक्ट उसके बाद मैम ये जो मशीनरी होना चाहिए सेकेंड हैंड मशीनरी अलाउड है क्या सेकेंड हैंड मशीनरी क्रॉस लेकिन क्या इंपोर्टेड होगा इंडिया के बाहर से होगा इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज दैट अलाउड यस क्यों मैम अरे क्योंकि वो पहले इंडिया में यूज नहीं हुआ 14 आपको पता है क्या 35 AD में 14 बिजनेस स्पेसिफाइड है हम चाहते हैं कि ये बिजनेस का प्रमोशन हो हम चाहते हैं कि लोग ये बिजनेस करें हम चाहते हैं कि होटल्स ओपन हो हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स ओपन हो हम चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो हम चाहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का बिजनेस हो स्लम रिहैब हो ये जो 14 बिजनेसेस है हम चाहते हैं कि ये हो एंड क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बिजनेसेस हो दैट इज व्हाई व्हाट आर वी सेइंग वी आर सेइंग दैट बेटा आप नई मशीनरी खरीदो एग्जिस्टिंग इंडिया की कोई बेच रहा हो फिर आप खरीद रहे हो तो वो लेवल सेम रहेगा
इसलिए बोलते इंडिया के बाहर का मशीनरी है तो चलेगा। हाँ, ओल्ड मशीनरी कितना यूज कर सकते हैं? 20%। ओल्ड इज अलाउड ओनली हाउ मच? 20%। उससे ज्यादा ओल्ड यूज किया तो नहीं चलेगा, मतलब सेकेंड हैंड चलो यूज ही करना ही है ना, ओल्ड 20% तक चल जाएगा। पूरा सेटअप ओल्ड से नहीं करने का, फिर क्या फायदा? फिर इकोनॉमी में ग्रोथ ही नहीं होगी। 35 AD क्यों दिया गया है? देखो ना यार, एक साथ तुरंत 50 लाख का खर्चा अलाउ हो गया, एक साथ तुरंत 50 लाख का खर्चा अलाउ हो गया, इमीडिएटली 50 लाख का खर्चा अलाउ हो गया आपको, करेक्ट? ये क्यों अलाउ हो रहा है? हम बेनिफिट दे रहे हैं, हम बोल रहे थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन मत लो, पूरा 50 लाख ले लो, ये 14 बिजनेसेस को प्रमोट करो, स्टार्ट करो ये बिजनेसेस, करेक्ट? सो यू शुड नो दीज बिजनेसेस, ओके? नो, यहां पे एक बच्चे का डाउट है, तुम देखो, इफ प्लांट एंड मशीनरी इज परचेस्ड, मैम यहां पे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं, अरे 100% मिल गया ना। Additional depreciation is not allowed when already 100% depreciation has been claimed. तो 35 AD में normal भी नहीं मिल रहा है, additional का हिस्सा मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा, okay? हाँ, किस पे? Second hand पे ना, normal लेने का additional नहीं मिलता, additional depreciation is not available on second hand. अभी सुनो तुम, एक मिनट, इंपोर्ट करेंगे तो कैपेक्स मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा। अब सुनो, मैंने क्या किया, 35 AD को क्रॉस कर दिया, इंपोर्ट को टिक करती हूँ, सॉरी इंपोर्ट को टिक करती हूँ। हाँ, इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, कैन यू क्लेम 35 AD? यस यू कैन, आई एम सॉरी मैंने उसको क्रॉस कर दिया। सेकेंड हैंड मशीनरी पे 35 AD नहीं मिलेगा, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 20% तक अलाउड है। कितना ओल्ड अलाउड है? 20% तक इट इज अलाउड, 20% तक आपको ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी अलाउड होता है। समझ में आ गया? 20% तक ओल्ड मशीनरी अलाउड है। तो चलो, 35 AD के मेन बिजनेसेस क्या है? आपकी जो भी नोट्स होंगे ओपन करो, पढ़ो, अंडरस्टैंड इट, कौन से 14 बिजनेसेस स्पेसिफाइड है, लेट अस अंडरस्टैंड विच आर द 14 बिजनेसेस। कोल्ड चेन फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीआर लाइक्स दिस। वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज इज इंपॉर्टेंट, आईसीआर लाइक्स दिस ऑल्सो, आईसीआर को पसंद है वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, आईसीआर को पसंद है कोल्ड चेन फैसिलिटी, नेचुरल गैस एंड लेइंग पाइपलाइंस फॉर नेचुरल गैस एंड ऑल दैट स्टफ, ओके? न्यू होटल्स 2-star एंड अबव, न्यू हॉस्पिटल, दो बिल्डर्स से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड दो है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड दो है, और वो कौन से दो है? सो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है स्लम रीडेवलपमेंट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, करेक्ट? कोल्ड चेन आता है, हाँ, वेयर हाउसिंग आता है, हाँ, फर्टिलाइजर्स का बिजनेस आता है, यस, 2-star होटल, हॉस्पिटल्स अबाउट 100 बेड, ये सब 35 AD में आता है। अगर वेयर हाउसिंग फॉर शुगर ऑल्सो कम्स इन दिस, आता है ना, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर आता है, आता है, यस, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर ऑल्सो कम्स इन दिस, करेक्ट? फर्टिलाइजर्स का बिजनेस ऑल्सो कम्स अंडर दिस, करेक्ट? या देन यू हैव दिस फ्रेट इनलैंड कंटेनर डेपो, आप कस्टम्स में ना आपका एक ये हो सकता है, कस्टम्स में ना कंटेनर्स होते हैं, आप जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो ना, पूरा चेकिंग होता है, फिर रेट डिसाइड होता है, तब तक वो गुड्स कहाँ रखेंगे? प्रॉपर आपको कंटेनर रेंट पे लेने पड़ते हैं और कंटेनर में गुड्स रखने पड़ते हैं। ये कंटेनर्स कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट कैसे होता है वैसा पोर्ट होता है, वाटर पोर्ट, वहां पे आपको ये कंटेनर्स मिलते हैं। कंटेनर्स की बहुत शॉर्टेज होती है, इसलिए इसको 35 AD में डाला है कि यार तुम करो तो सही बिजनेस चालू, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, 35 AD में खर्चा अलाउ कर रहे हैं, तो हम कंटेनर, सो ये जो होता है कस्टम्स एक्ट के तहत आपका एक स्टेशन होना चाहिए जहां आप कंटेनर्स रेंट पे देते हो, जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड्स को हम सेव करेंगे, स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ओहो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? Yes, okay, the nationalist is asking, ma'am, 20% of what? 20% of total machinery, 20% of total machinery. Wo old kitna use ho sakta hai? 20% of total. Honey and bees wax is also covered here. Warehousing facility for storage of sugar yahan cover hota hai.
स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर, ये इतने स्पेसिफिक बिजनेसेस नहीं है, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बट जनरली आईसीआर क्या पूछती है, वेयर हाउसिंग फॉर एग्री, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, कोल्ड चेन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर्स याद रख सकते हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दो याद सकते हो, हॉस्पिटल होटल्स याद रख सकते हो, टू स्टार एंड अबव, ये भी एक बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री का हो जाता है. सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, यू नो बहुत सा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग में, हीटिंग का प्रोसेस होता है, वहां पर एक फैब्रिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए ये बिजनेस सिलेक्टेड है 35 AD में. एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बीन सिलेक्टेड, आखिरी का बिजनेस 2016 में सिलेक्ट हुआ था, अब तक इस सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है. आखिरी का देखो ना बिजनेस कब ऐड हुआ था, 2016 में. ये सेक्शन स्टार्ट कब हुआ है, स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो ये सेक्शन स्टार्ट हुआ है 2009 में, सात में, ये एक्चुअली 9 से आया है, सिर्फ यहाँ हमने बैक डेटेड दे दिया. तो पहले तो हमने जब स्टार्ट किया हार्डली 3 और 4 बिजनेसेस से स्टार्ट किया, हर साल 35 AD में नया ऐड करते गए करते गए, ऐसे करते करते आज कितने बिजनेसेस है, 14. कम ऑन, गेट द क्रक्स ऑफ इट, डोंट प्ले अराउंड. एंड फिर ज्यादा पता है क्या, इससे ज्यादा डिटेलिंग कहाँ से सीखने का, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू. प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू सीखा गया बात बहुत ज्यादा याद भी रहता है और अच्छा भी रहता है वो. तो पहले ओवरऑल आप देख के लो और डिटेल में, और कैसे, लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यू हैव टू डू, मेरे साथ तो करना ही है प्लस एडिशनल भी करना है. ओके कुमारी, आई एम गोइंग एज पर न्यू सिलेबस ओनली, ओल्ड एंड न्यू सिलेबस इज सेम, 20 chapters आर देयर, 20 chapters इन ओल्ड प्लस 3 इन न्यू. सो फर्स्ट लेट मी टीच दिस 20 विच आर कॉमन फॉर ओल्ड एंड कॉमन फॉर न्यू. ओके अब देखो आगे, 150 पुराना है प्रिंजल, अभी नहीं है, 100% अलाउड है, अभी 100% अलाउड है, ठीक है. हाँ अब देखो 35 AD आ गया क्या आपको, ओवरऑल पिक्चर आ गया 35 AD का कि 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, कैपेक्स अलाउ होगा, बॉस डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा, और 35 AD का जो मशीनरी खरीदा है 8 साल तक बेचने का नहीं, बेच दिया तो जो बेनिफिट मिला वो रिवर्स हो जाएगा, ऑफ कोर्स हम डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, करेक्ट, यस. नो स्पेसिफाइड बिजनेस इट इज पिंजल, आई थिंक यू आर स्टडिंग, ये अमेंडमेंट आके 2-3 साल हो गए बेटा, इट्स नॉट 150%, इट्स 100% नाउ. नहीं, कमेंसमेंट की डेट याद नहीं रखनी, ऑफकोर्स नॉट, इट्स नॉट अ मेमोरी टेस्ट, नो यू डोंट. अच्छा अब हेडलाइंस लिख लो, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, हेडलाइंस में लिखो, हेडलाइंस इज टॉप रेड मार्जिन, व्हाट इज हेडलाइन, टॉप रेड मार्जिन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीजीबीपी. ओके टॉप रेड मार्जिन आपके नोट्स के जो होते हैं वहां पर लिखने का हेडलाइंस. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस क्या होता है इसका, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट, लिखो कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट, ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस Yes, specified business loss can be set off only against specified business profit. Correct. And क्या बोल सकते हैं, such loss can be carried forward for any number of years. लिखो, such loss can be carried forward for any number of years. Such loss shall be carried forward for any number of years. Such loss can be carried forward only for, वो खुद वो बिजनेस होगा ना कभी उस बिजनेस से भी प्रॉफिट तो जनरेट होगा ना, एनी नंबर ऑफ इयर्स है, फायदा होगा ना. सच लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स, और पता है क्या, इसके लिए ITR फाइलिंग इज मैंडेटरी विद इन ड्यू डेट, फॉर सच लॉस ITR फाइलिंग शुड बी डन विद इन ड्यू डेट. पता है मैं आपको क्या कर रही हूँ, बिजनेस को सेट ऑफ के चैप्टर से लिंक कर रही हूँ, एग्जाम में लिंक्ड क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर के नाम से नहीं आते अलग अलग क्वेश्चंस. क्या बोला मैंने, क्या बोला, हाँ, फॉर सच लॉस ITR फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी, फॉर सच लॉस ITR फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी, ITR फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी.
फॉर सच लॉस आईटीआर फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी. ऑल ओके, पक्का? आईटीआर फाइलिंग विद इन ड्यू डेट इज मैंडेटरी. ठीक है, यस, आई वाज जस्ट चेकिंग द लेक्चर ओनली. ओके, ठीक है, आईटीआर फाइलिंग विद इन द ड्यू डेट इज मैंडेटरी. ठीक है, अच्छा, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नवंबर 22 में एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुए, तो डोंट वरी, जो मई 23 का जो भी मैं पढ़ाऊंगी विद अमेंडमेंट आपको पढ़ा दूंगी. ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो. सो 35 कौन सा हो गया अभी हमारा? एडी, स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया. ठीक है, हाँ. अब आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज 35D. आपकी नोटबुक सामने होनी चाहिए, नोटबुक में आपका लिखते रहना है, लिखते रहना है आपको. नाउ 35AD क्या बोलता है? 35AD सेज, सॉरी, 35AD अपना हो गया. 35AD इज 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस. 35AD इज 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस. अब क्या है 35D? 35D इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. 35D इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. डू यू नो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप राइट ऑफ कर सकते हो ओवर 5 years. ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वाले खर्चे होते हैं. देखो ना, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है. सो आई स्पेंड सम मनी इवन बिफोर माय बैंक अकाउंट स्टार्ट्स और इवन बिफोर माय बिजनेस स्टार्ट्स. दिस एक्सपेंसेस आई कैन रिकॉर्ड इन माई बुक्स, बट आई कैन क्लेम इट एज एन एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी, वन सेकंड, लाइट जाएगा. ओके, सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन बी क्लेम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. या सो ये अलाउड है टू राइट ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड, ये खर्चे कोई भी नहीं हो सकते. दीज एक्सपेंसेस हैव टू बी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस. ठीक है ना, ये कोई भी खर्चे नहीं हो सकते. दीज एक्सपेंसेस शुड बी कवर्ड. एक्सपेंसेस शुड बी कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ, in the list of what? They should be covered in the list of preliminary expenses as per section 35D. वो क्या, देखो allowable expenses तो खत्म भी होने को आ गए. ओवरऑल आज सबने क्या करना है, पीजीबी भी अच्छे से रिवाइज करना है आपको. बिल्कुल पीजीबी भी अच्छे से करना है, फिर मैं सैलरी लूंगी इमिडिएटली. वील टेक एक एक आरटीपी ले लेंगे, एक में किसी एग्जाम्स का पेपर ले लेंगे और वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. ओके, रोहित 5 years जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट हुआ बेटा, क्योंकि बिजनेस के पहले है. कौन सा 5 साल? जब बिजनेस कमेंस होगा उसके आगे के 5 साल. या इस पे जनरली क्या क्या खर्चे होते हैं पता है? कुछ कुछ एक्सपेंसेस क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. क्या खर्चे है? कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मार्केट सर्वे के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं. हाँ, इशू ऑफ शेयर्स, मेमोरेंडम, आपके जो भी नोट्स है सामने रखिए. कभी भी नोट्स लास्ट मिनट पे चेंज करना इज नॉट अ गुड प्लान. विच एवर फैकल्टी यू हैव स्टडीड, स्टिक टू दोज नोट्स ओनली. इट इज अलाउड टू इंडियन कंपनी एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट असेसी को भी. ये 35D कंपनीज, मतलब कॉर्पोरेट असेसी एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट असेसीज को भी अलाउ होता है. ऑफकोर्स ये रेसिडेंट होने चाहिए बस. नाउ इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, मार्केट सर्वे, इशू ऑफ शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, MOA, AOA, इनके प्रिंटिंग, लीगल एक्सपेंसेस, इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मानेंगे और इसको हम राइट ऑफ कर सकते हैं. दे आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड. यस क्रिश, एब्सोल्युटली राइट. इंजीनियरिंग सर्विसेज, मार्केट सर्वे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑल दीज एक्सपेंसेज आर अलाउड टू बी रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. ऋतिक, यस, इट इज अलाउड. ओके है? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, एक स्टूडेंट की डाउट है तो सुनते. मैम, अगर 35AD वाला जो बिजनेस का लॉस है उसका आईटीआर ड्यू डेट में फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
मैम ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, करेक्ट। चलो आगे जाएंगे, 35D हो गया, अब क्या है 36 है, एक सेकेंड ना, ओके अब कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 36 है, सो लेट अस अंडरस्टैंड देयर इज अनदर सेक्शन व्हिच इज सेक्शन 36। नाउ 36 में बहुत सारे हैं, मतलब कोई भी बिजनेसेस के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, तुम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए वो राइट ऑफ कर सकते हैं, करेक्ट। नाउ ऑफ कोर्स वी विल डिवाइड इट ओवर 5 years, यस। नाउ सेक्शन 36 में कौन से खर्चे अलाउेबल होते हैं, सुन के लेना। सेक्शन 36 में है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, किसका इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक सेकंड जरा रुकना, बीच में डाउट मत पूछो, मैं जब अलाउेबल एक्सपेंसेस मेरे सारे खत्म हो जाएंगे आई विल आस्क यू डाउट्स, दैट टाइम यू आस्क, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो। अगर आप मेरे क्लासरूम में बैठे होते तो मैं बात कर रही हूं, आप बीच में खड़े होकर बात करोगे क्या, नो। सिमिलरली यू डोंट हैव टू सेंड दिस काइंड ऑफ मैसेजेस नाउ, आपकी क्वेरी है आप पेपर पर लिख के लीजिए। अब याद रखिए, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो या सेकंड टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तो प्लीज एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, डोंट डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ द क्लास, ओके। प्लीज अंडरस्टैंड आवर टारगेट इज टू क्लियर May 23 और यहां टाइम पास नहीं करना है, आई एम कंसर्न्ड विथ योर स्टडीज, विथ योर मार्क्स एंड विथ योर परफॉर्मेंस, दैट्स ऑल। सो मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, आप क्वेरी लिख के रखना, आपको डाउट होगा तो मैं बीच बीच में सॉल्व करती रहूंगी, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉइज के हेल्थ का, इसका स्टार परफॉर्मर ये होता है यहाँ पे है, ये एक्सपेंसेस अलाउेबल है, ओके। सो यहां मैं लिख रही हूं क्या ये खर्चे अलाउेबल है या ये खर्चे डिसअलाउेबल है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ इज अलाउेबल, इसका एक स्टार परफॉर्मर होता है, हर चीज का एक स्टार परफॉर्मर होता है, और इसका स्टार परफॉर्मर है इट शुड नॉट बी पेड इन कैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू बी पेड इन कैश, इसका स्टार परफॉर्मर है, इसको कैश में नहीं पे करना है, नॉट टू बी पेड इन कैश, That's the first thing. Do you understand that? Yes. अब इसका अगला स्टार परफॉर्मर है, सेक्शन 36 का पहला है इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉइज की हेल्थ का है, करेक्ट। बाद में किसका इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड का। देखो ना, मेरी दुकान भरी पड़ी है, मेरा वेयरहाउस भरा हुआ है, 50 लाख का स्टॉक है, 60 लाख का स्टॉक है, उधर फायर आ गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, यार ये सारा नुकसान कौन बेयर करेगा, सो दैट इज वाई इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपका जो स्टॉक है स्टॉक इन ट्रेड ऑल्सो इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, इज इट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, यस इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, इट इज एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, समझ में आ रहा है। करेक्ट। फिर सेक्शन 36 में और क्या है, मेरे बैड डेट्स, बैड डेट्स इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर, बट डू यू नो आरडीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यार फ्यूचर कॉन्टिंजेंट हो गया, ये कल के लेक्चर में भी सिखाया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये अलाउेबल एक्सपेंडिचर नहीं होता, दिस इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर, बट बैड डेट्स क्या होता है, एक्चुअली पता है कि यार ये पैसे नहीं देने वाला है, ठीक है। बोनस and commission paid to employees, bonus and commission paid to employees is allowable, but it should be genuinely paid as bonus and commission, aise nahi ki aap dividend de rahe ho, profit dena hai, aapko pata hai dividend hi allowable kharcha nahi hota hai, what is dividend, distributing the profit, what is dividend, distributing the profit, wo kharcha allow nahi hota, to pata hai log kya karte hai, log kya karte hai, ye jo bonus dividend denge lekin usko naam books mein denge, बोनस का नाम क्या देंगे, बोनस का, इस टाइप का जुगाड़ करते हैं, तो इज दैट ओके, नो देन दैट इज नॉट ओके। सो बोनस एंड कमीशन इज अलाउेबल, दिस इज अलाउेबल इफ पेड जेन्युइनली एज बोनस एंड कमीशन, बिल्कुल सही, अभी मैं यही बात बोलने वाली थी और नवीन ने बोल दिया, बेटा यहां इसका स्टार परफॉर्मर है, दिस इज कवर्ड अंडर 43B, ये 40, नवीन ने बिल्कुल सही बोला, दिस इज कवर्ड एज 40, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं है,
दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 43B, मतलब इट इज अलाउेबल ओनली ऑन पेमेंट बेसिस. 43B वो वाला सेक्शन है जहां पे ये खर्चा तभी अलाउ होगा इफ यू पेड ड्यूरिंग द PY और यू पेड विद इन द ड्यू डेट ऑफ ITR. तो आपने ड्यू डेट में पे करना है या आपने विद इन ITR पे करना है तो आपको ये खर्चा अलाउेबल होगा. करेक्ट. सो दिस इज कवर्ड अंडर 43B. 43B मीन्स एक्सपेंसेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. प्लीज अगर आप आपका परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हो, जो जो चीजें मैं लिख रही हूं और आपको लग रहा है नहीं ये मेरे लिए वीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, नोट इट डाउन, गो होम एंड रिवाइज इट टूडे. आई एम हियर, यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज अगेन टुमारो. मैं हर रोज थोड़ा टाइम क्वेरी सॉल्विंग के लिए एलोकेट करूंगी. तो आप पढ़ाई करके आओ फिर मुझे क्वेरीज पूछो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, पहले मैं PGBP लूंगी, बाद में सैलरी लूंगी एंड इमीडिएटली आई विल डू पेपर सॉल्विंग. दैट्स माय शेड्यूल एज ऑफ नाउ. ओके, 43B मींस एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. करेक्ट. आगे क्या? हाँ, सवाल नहीं है कैश और इसका. कैश में तो कोई भी खर्चा 10,000 में नहीं करते, पेमेंट करना है. मैं नहीं बोल रही हूँ कैश बेसिस का मतलब पेमेंट एक्सपेंसेस अलाउ, पे करोगे तो खर्चा अलाउ होगा. तुम चेक से करो ना, कैश का क्या सवाल आ रहा है इधर. आगे फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. फिफ्थ वन इज वॉट? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. बोरोड कैपिटल मतलब आपने लोन लिया. बेटा आपने जो लोन लिया वो किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस. एक चीज बताती हूं मैं आपको, देखो अगर मैंने लोन घर खरीदने के लिए लिया है तो मैम उसका इंटरेस्ट HP में जाएगा. मैचिंग प्रिंसिपल. ये किसका दरवाजा किसके लिए खुला है? बिजनेस के लिए. तो ये सिर्फ बिजनेस का खर्चा अलाउ होगा, ऐसे कैसे और भी कोई खर्चा अलाउ करेंगे? ये बिजनेस है तो बिजनेस का ही खर्चा अलाउ होगा, बिजनेस का प्रॉफिट अलाउ होगा तो बिजनेस का ही खर्चा अलाउ होगा. तो लोन बिजनेस पर्पज के लिए इंटरेस्ट ये क्या होगा? अलाउेबल होगा. करेक्ट. अच्छा, कैन आई टेक दिस लोन फ्रॉम बैंक? चलता है. कैन आई टेक दिस लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज? यस, मैं फ्रेंड से ले सकती हूँ, फैमिली से ले सकती हूँ, बिल्कुल चलता है. हाँ चलता है, आई कैन टेक इट. लेकिन जब आप इंटरेस्ट बैंक से लेते हो इट गेट्स कवर्ड अंडर 43B. जब आप इंटरेस्ट बैंक से लेते हो इट गेट्स कवर्ड अंडर 43B. 43B मीन्स यू मस्ट पे द इंटरेस्ट टू द बैंक. अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो हावले अपना नहीं करने का, होल्ड ऑन करने का. व्हेन आई कम टू 43B यू विल अंडरस्टैंड. इफ यू एक्ट क्रेजी एंड ऐसे अभी बताओ ऐसे करोगे तो आप ये प्रोफेशनल एग्जाम दे नहीं पाओगे. आपको काम कंपोज रहना बहुत जरूरी है. ठीक है, यस. सो मैं 43 बताऊंगी. वेरी गुड. मनीष ने बोला मैम 43B नहीं, इवन TDS का एंगल आपको याद रखना पड़ेगा. बेटा जब आप भले ही फ्रेंड से TD इंटरेस्ट दो या बैंक को दो, आपको TDS भी पेड होना चाहिए. तो एक तो आपका लोन बिजनेस के लिए होना चाहिए, दूसरा अगर आप बैंक को दे रहे हो तो TDS करने की जरूरत नहीं होती है. क्योंकि सारे एंगल्स आ गए तो बढ़िया है, दिस इज बेस्ट. सी नाउ आई विल फोकस, एक एक करके लेते हैं, सुन के लेना. पहले मैम बैंक वाला 43B में कवर होता है, बिल्कुल. फ्रेंड्स और फैमिली का 43B में कवर नहीं होता. अब आपको यह समझना है, अगर आपने लोन नहीं लिया, आपका खुद का कैपिटल है, ओन कैपिटल पे इंटरेस्ट है, तो बेटा ये अलाउ नहीं होता. यू कांट पे इंटरेस्ट टू योर ओन सेल्फ. मैंने दूसरों से लोन लिया, मैं दूसरे को इंटरेस्ट दे रही हूं तो ये अलाउ होगा. मेरे खुद के कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा तो अलाउ नहीं होगा. लेकिन अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है देन द इंटरेस्ट इज अलाउेबल. देन द इंटरेस्ट इज अलाउेबल. अब ICAI जब सवाल पूछते हैं बेटा, वो एक ही कॉन्सेप्ट को लेके सवाल नहीं पूछेगी. अब इनका क्या क्या एंगल होता है, पहले एक और चीज. इंटरेस्ट अगर मैंने लोन के लिए लिया और लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, लोन किसके लिए है? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए. लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, देन दिस इज नॉट अलाउेबल. इफ लोन इज फॉर पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपको मेरे साथ आखिरी तक पेपर सॉल्विंग तक जुड़े रहना है, तो मतलब इस कॉन्सेप्ट का आपको क्या फायदा हुआ पेपर सॉल्विंग के टाइम, आपको समझेगा. ऑफकोर्स फर्म जब पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, मैम इधर और एक सेक्शन है, सेक्शन 40 स्मॉल बी.
हाँ, मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होता है दिस इज 12%। सो देखो ऐसा है, आज का सीखना अलग है और पहले का सीखना अलग है। आज जब सीख रहे हो सारे एंगल्स को याद रख के हम सीख रहे हैं। प्लीज अब फोकस कीजिए, मेरा इंटरेस्ट के पार्ट में अभी बहुत सी चीजें आपको बताना बाकी है। करेक्ट मानस, पार्टनर। आई कैन गिव दिस इंटरेस्ट टू वर्किंग एज वेल एज नॉन वर्किंग पार्टनर, वो 40B के सेक्शन में है ही बेटा। करेक्ट। अब सुनो, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट लोन पे है और ये डायरेक्ट टैक्सेस के लिए लोन लिया है, इट्स नॉट अलाउेबल। इनडायरेक्ट के लिए लिया है तो इट इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर। अब एक और बात, मैंने अगर लोन कोई कैपिटल असेट के लिए लिया है तो ये इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, इंटरेस्ट टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज, असेट इज पुट टू यूज, टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज। शांति से आप लिखते जाओ, मैं 5 मिनट आपको दूंगी क्वेरी सॉल्विंग के लिए, बिल्कुल आपको ये नहीं करना है। इंटरेस्ट की बात हो रही है बेटा, मैंने लोन लिया बिजनेस के लिए, मैंने लोन लिया, इंटरेस्ट मेरे लिए अलाउेबल खर्चा है। बिजनेस के लिए लोन लेना पड़ता है, अलाउेबल है। पर्सनल कामों के लिए लोन लिया है, इंटरेस्ट अलाउेबल नहीं है। घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो एचपी का चैप्टर है, उधर जाने का बॉस, पीजीपीपी में नहीं आने का। मैंने लोन डायरेक्ट टैक्सेस के लिए लिया है तो अलाउेबल नहीं है, लेकिन मैंने लोन इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए लिया है तो अलाउेबल है। कैन आई टेक लोन फ्रॉम बैंक्स? यस। कैन आई टेक लोन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स? यस आई कैन। अब मैम मैंने लोन लिया वो मशीनरी खरीदने के लिए लिया, मैं वो जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, मुझे पसंद है, जो मैं आपको हमेशा देती हूँ कि आप जब प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, अगर 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, आपका ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ 10,000, आपका इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ 5,000, बेटा आप क्या करते थे 11th और 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स में? यू यूज टू कैपिटलाइज दिस एज प्लांट एंड मशीनरी 5,15,000। वाई? एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द डेट द असेट इज पुट टू यूज शुड बी कैपिटलाइज। सेम बॉस, मैंने लोन लिया आज, सिंगापुर से मेरी मशीनरी बन के आने वाली है, मैंने लोन आज लिया, पैसे दे दिए, तब उन्होंने मेरा काम चालू किया। 6 महीने लगे, 6 महीने के बाद मशीनरी आई। तो बेटा ये जो 6 महीने के पीरियड का इंटरेस्ट है, इसको हम क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। दिस इंटरेस्ट शल बी कैपिटलाइज, दिस इंटरेस्ट शल बी कैपिटलाइज। सो अगर ऐसा ही कोई इंटरेस्ट है, टिल द डेट इंटरेस्ट, टिल द डेट असेट इज पुट टू यूज, इस इंटरेस्ट को मान लो 50,000 का, इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ेगा, तो 5,65,000 विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। माने मतलब मैम, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट टिल द डेट द असेट इज पुट टू यूज इज नॉट अलाउेबल, वो खर्चा नहीं है, उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। और कैपिटलाइज करोगे तो उसके ऊपर क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। एंड इंटरेस्ट आफ्टर द डेट असेट इज पुट टू यूज आफ्टर दैट डेट, देन दिस इंटरेस्ट इज अलाउेबल। इस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? अलाउेबल एक्सपेंडिचर। फिर ये इंटरेस्ट क्या होगा? इट विल बी अलाउेबल एक्सपेंडिचर। नोट इट डाउन, अभी भी मेरा इंटरेस्ट वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है। नोटेड डाउन, मेरा अभी भी इंटरेस्ट वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है। कांट सी, लिखते क्या हो गया? हाँ, अब सुनो, अब देखो इंटरेस्ट में एक और चीज जैसे एग्जाम में आती है, नाउ अंडरस्टैंड, टीडीएस के एंगल से समझेंगे। ओके,
PKD pays interest. PKD pays interest. If PKD pays interest to bank, should I deduct TDS? Yes or no? No need of TDS. तो TDS नहीं है तो कोई वांदा नहीं है. PKD pays interest to Anand sir. TDS should be deducted. TDS deduct होना चाहिए. और अगर मैंने deduct नहीं किया तो मुझे punishment मिलेगी. If not, then 30% will be disallowable expenditure. तो एक ही एंगल से नहीं सोचने का कि इंटरेस्ट बिजनेस के लिए लिया बेटा. मैंने अगर टीडीएस कट नहीं किया तो 30% एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलावेबल. सिंगापुर से मशीनरी खरीदने के टाइम टीडीएस करेंगे क्या? नहीं, तुम टीडीएस के सेक्शन नए मत बनाओ, हम एक्ट सीखने आए. परचेज ऑफ मशीनरी पे कोई भी टीडीएस का प्रोविजन नहीं है. करेक्ट. टू बैंक नो नीड ऑफ टीडीएस. तो यहां पे 40A का प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर पीकेडी ने आनंद सर को इंटरेस्ट दिया तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. इफ नॉट देन 30% डिसअलावेबल. कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है? 40A. आनंद सर के जगह मैंने किसी एनआर को पीकेडी ने इंटरेस्ट दिया तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. लेकिन मैंने डिडक्ट नहीं किया. इफ नॉट देन 100% क्या हो रहा है? देन 100% डिसअलावेबल. देन क्या होगा? 100% डिसअलावेबल. समझ में आ रहा है क्या सबको? फिर कितना डिसअलाउ होगा? 100% डिसअलाउ. बेटा तो आपको ये एंगल से भी सोचना है. एक और चीज, पीकेडी पेज इंटरेस्ट टू एनबीएफसी. एनबीएफसी इज नॉन फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. इस पे इंटरेस्ट इज एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट. नॉन रेसिडेंट नहीं, उसको लगा जैसे आनंद सर बोला नीचे एनआर मतलब क्या बोल रहे हैं आप. ओके, तो ये वन, ये टू, किसी नॉन रेसिडेंट को दिया. थ्री, एनबीएफसी को दिया. एनबीएफसी को दिया तो इंटरेस्ट पे टीडीएस शुड बी, टीडीएस डिडक्टेड इज रिक्वायर्ड. ये टीडीएस के चैप्टर की प्रोविजन है. टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है. नहीं किया तो 40A का डिसअलाउंस आ जाएगा. तो इंटरेस्ट का एंगल आता है और बैंक का एंगल आएगा. तो इधर ये मत भूलना बेटा, 43B मत भूलना. बैंक को इंटरेस्ट टाइम पे देना पड़ेगा. 43B, ये भी 43B में कवर होगा. फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए डन है. देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, डन. इंटरेस्ट अभी भी सेक्शन 36 खत्म नहीं हुआ है. वी वर ऑन सेक्शन 36. 36 बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉइज हेल्थ अलावेबल उसका स्टार परफॉर्मर है कैश में नहीं करने का. उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक इन ट्रेड का अलाउ होगा. बैड डेट्स इज अलाउड. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट अलाउड. बोनस कमीशन इज अलाउड, याद रखो. बट बोनस कमीशन ऑल्सो गेट्स कवर्ड अंडर 43B. इज दैट ओके? इंटरेस्ट तो हमने उसके ऊपर अभी पीएचडी कर लिया है. एनबीएफसी के टाइम पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो कितना होगा? रेसिडेंट है वो तो 30%, एनआर है तो 100%. एनबीएफसी का स्टेटस दिया जाएगा. इफ इट्स रेसिडेंट 30%, इफ इट इज नॉन रेसिडेंट देन 100%. सिंपल एज दैट. हाउ मच टीडीएस नीड्स टू बी डिडक्टेड आदर्स 10%. इंटरेस्ट पे जनरली टीडीएस का रेट क्या है? 10%. इंटरेस्ट पे टीडीएस का रेट क्या है? 10%. डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके. अगले एक्सपेंसेस, अगले एक्सपेंसेस ऐसे है कि एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग इज अलावेबल.
बट इट इज अलाउेबल ओनली टू कॉरपोरेट एसएससी. सिमिलरली अगर आपने कैपेक्स किया फैमिली प्लानिंग पे, देन द एक्सपेंडिचर विल बी अलाउेबल ओवर 5 ईयर्स. लेकिन ये भी किसको अलाउड है? ओनली कॉरपोरेट एसएससी को. आई एम जस्ट गिविंग यू फर्दर 36. एसटीटी अलाउेबल. वॉट इज फुल फॉर्म ऑफ एसटीटी? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स. सीटीटी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. इट इज अलाउेबल एक्सपेंडिचर. नहीं लगता है सचिन, नहीं लगता है. बाकी के 36 के एक्सपेंसेस बता रही हूँ. एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग, दिस इज फैमिली प्लानिंग, अलाउेबल ओनली टू कॉर्पोरेट असेसीज. कैपेक्स ऑन फैमिली प्लानिंग, सीटीटी अलाउेबल, एसटीटी अलाउेबल. इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड. This is allowed over the life of the bonds. This is allowed over the life of the bonds. So whatever is the life of the bonds, उसके over allow होगा. So discount on zero coupon bond, STT, CTT, this is an allowable expenditure. Are you getting this? Bad debts we covered बेटा ऊपर. यस. अब इम्पोर्टेंट इसमें और क्या है पता है? एम्प्लॉयर्स कंट्री, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू पीएफ फंड. जो एम्प्लॉयर का कोई भी स्टाफ वेलफेयर फंड हो सकता है ना, पता है आपको एक स्टाफ वेलफेयर फंड होता है जहां एम्प्लॉई भी पैसे डालता है और एम्प्लॉयर भी पैसे डालता है. दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट समझना है. पता है आप जब पीजीपीपी करते हो ना, वी लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयर. और जब हम सैलरी करते हैं तो वी लर्न एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉई कि मुझे सैलरी मिल रहा है, मेरा इनकम है. लेकिन एम्प्लॉयर क्या बोलता है? यार मैं तो बिजनेस कर रहा हूं, मेरे लिए सैलरी पे करना एक एक्सपेंडिचर है, एक एक्सपेंडिचर है. हाँ, एक एक और बात मुझे याद आ गया, जस्ट आप ऊपर अपडेट करोगे क्या? अगर फर्म इंटरेस्ट देती है पार्टनर के कैपिटल को, वो 40B में कवर होता है. यहाँ ऊपर लिखा था हमने, एक सेकंड ना. या ये 40B में कवर होता है और इसके ऊपर टीडीएस नहीं होता. देयर इज नो टीडीएस. When firm pays interest on partner's capital, there is no TDS and it gets covered under 40B. माने maximum कितना है? 12% देना allowed होता है. मैक्सिमम कितना होता है? 12%. गौतम, फैमिली प्लानिंग में और कुछ नहीं है. फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस आर अलाउेबल, दैट्स ऑल. इफ इट्स अ कैपेक्स, इट इज अलाउड ओवर 5 ईयर्स, दैट्स ऑल. दैट टू इट्स अलाउड ओनली टू कॉर्पोरेट असेसीज फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंगस्ट एम्प्लॉइज. अब इस पे फोकस करो. एम्प्लॉयर्स कंट्री, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये फोकस करो. एम्प्लॉयर्स कंट्री से आपको ना स्मार्ट स्टडी करना है. पढ़ाई हर कोई करता है. आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे ना, मतलब नहीं बनता, ठीक है? हाँ, तो एक दो चीज है. आपने टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी चाहिए. माने देर इज चंपा एंड देर इज चमेली. चमेली ने 14 आवर्स पढ़ाई करी और एक ही चैप्टर खत्म किया. चंपा ने 8 आवर्स में वो एक चैप्टर खत्म किया. किसने ज्यादा पढ़ाई करी? सो नंबर ऑफ आवर्स जरूरी नहीं है. दोनों ने एक ही चैप्टर खत्म किया, ठीक है? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नो, यू हैव टू हैव अ टारगेट बेस्ड. मतलब तुम इफेक्टिव पढ़ाई करो. तुम बैठते हो किताब के सामने, फिर देखते हो अच्छा ये पढ़ो क्या, वो पढ़ो क्या, ये स्टडी टाइम में ऐड कर दिया, ये क्या है? ऐसा थोड़ी पढ़ाई होता है. इफेक्टिव बैठ के प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए. टाइम टेबल बनाओ, कीप प्रॉपर टाइमिंग फॉर योर ब्रेक्स, नैप, रेस्ट एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, चलो. या दिस लेक्चर विल रिमेन ऑन यूट्यूब. यस यस, इट विल रिमेन. चलो अब चंपा चमेली जाने दो. अब देखो एम्प्लॉयर. हाँ, अब हम कर रहे हैं एक फंड है. फंड ये क्या है बेटा? फंड है. इस फंड में पैसे कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. देयर इज एम्प्लॉयर्स कंट्री एंड देयर इज एम्प्लॉईज कंट्री. सो एम्प्लॉयर का जो कंट्री है, इट विल बी अलाउेबल एक्सपेंडिचर. लेकिन फंड क्या होना चाहिए?
अप्रूव्ड होना चाहिए. फंड अप्रूव्ड है तो अलाउ करेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो उसका खर्चा अलाउ नहीं करेंगे. अब यहां आता है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुन के लेने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैं बताती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ थोड़ा. ये फंड है, फंड में कौन पैसे डाल रहा है, पहले तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयर का कंट्री है, और कौन कंट्री कर रहा है, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का कंट्री है. अब हम सीख रहे पीजीबीपी के एंगल से. पीजीबीपी क्या बोलता है, एम्प्लॉयर बोलता है सुनो ना, मेरे पैसे मैंने, ये अकाउंट किसका है, ये एक वेलफेयर फंड है, ये वेलफेयर फंड के पैसे कौन लेके जाता है, वेलफेयर फंड के पैसे एम्प्लॉई लेके जाता है, वेलफेयर फंड के पैसे एम्प्लॉई लेके जाता है. एम्प्लॉयर बोलता है यार देखो ना, मैं मेरी जेब से पैसे दे रहा हूं और वो मेरे सामने लेके जा रहा है, इज इट एन एक्सपेंडिचर फॉर मी, यस, सो दिस इज एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर. लेकिन इट्स एन अलाउएबल एक्सपेंडिचर इफ द फंड इज अप्रूव्ड. इतना ही नहीं, इनकम टैक्स बोलते हैं फंड अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, और तेरा ये खर्चा 43B में कवर होगा, तूने इसका पेमेंट आईटीआर के ड्यू डेट तक करना चाहिए. 43B क्या है, दो मिनट में आपको बताती हूँ, बताने वाली हूँ. 43B क्या बोलता है पता है क्या, लोग क्या करेंगे, खर्चा क्लेम करते जाएंगे, पेमेंट ही नहीं करेंगे, इसलिए हमने उसको टाइम दिया है. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खर्चे हैं जो हम चाहते कि बैंक को बेटा इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं तो बैंकिंग सिस्टम हमारा पूरा बिगड़ जाएगा ना, इकोनॉमी क्रैश डाउन हो जाएगा पूरा, कैसे चलेगा. तो आपको ये खर्चे टाइम पे करने के लिए इसका पेमेंट 43B में कवर होता है. मतलब पेमेंट शुड बी डन, कब तक पेमेंट करना चाहिए, पेमेंट डन होना चाहिए ड्यूरिंग द PY और ड्यू डेट ऑफ ITR. ये हम पीजीबीपी के एंगल से सीख रहे, वी आर लर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयर्स व्यू पॉइंट, वी आर लर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयर्स POV, एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट है. अब देखो एम्प्लॉई के कंट्री के बारे में, एम्प्लॉई के कंट्री का ट्रीटमेंट क्या है, इधर बोलता है कंट्री कलेक्टेड विल बी टेकन एज इनकम एंड आपको खर्चा कब अलाउ होगा, इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट. फंड में भरने का काम किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की. कंपनी आएगी, चंपा इधर आ तेरा कंट्री दे, चमेली इधर आ तेरा कंट्री दे, इनका कंट्री लेके फंड में डालने की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है, माने एम्प्लॉयर की होती है. किसकी होती है, एम्प्लॉयर की होती है. इट शुड बी पेड विद इन ड्यू डेट. अब यहां आता है कंफ्यूजन, ये कौन सा ड्यू डेट है. भाई क्लैरिफिकेशन आ चुका है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, अगर आप एक्ट सही तरीके से पढ़ते तो जरूरत ही नहीं थी. क्लैरिफिकेशन आया है, ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट ऑफ द फंड एंड नॉट ITR. फंड का ड्यू डेट, ITR का ड्यू डेट नहीं, ITR का ड्यू डेट नहीं. जो फंड है, अगर PF फंड है तो PF का ड्यू डेट. ESI, अलग अलग फंड होते हैं. अरे आपको इतनी सारी स्कीम्स है वेलफेयर की, आपको जो करना है आप करो. PF है, ESIC होता है, बहुत अलग अलग स्कीम्स होती है. ड्यू डेट तक से क्या होता है, मैं एम्प्लॉय के पैसे कलेक्ट करूंगी, अपनी जेब में डाल दूंगी, पैसे मेरे नहीं है, एम्प्लॉय के है, PF के नाम पर ले तो लूंगी, भरूंगी नहीं, कैसे चलेगा. इसलिए गवर्नमेंट ने बोला नहीं चलेगा, पहले कलेक्ट किया तो तुम्हारा इनकम, तुमको खर्चा क्लेम करने का है, पेड विद इन द ड्यू डेट. ड्यू डेट डोंट वेट फॉर ITR, एवरी मंथ एक ड्यू डेट आएगा फंड का, उसके हिसाब से पे कर दो. तो एम्प्लॉय के कंट्री के लिए द ड्यू डेट इज ड्यू डेट ऑफ द फंड एंड एम्प्लॉयर के कंट्री के लिए ड्यू डेट इज ड्यू डेट ऑफ ITR. दिस इज कवर्ड अंडर 43B. दिस इज इंपॉर्टेंट. फिर एज इन अ ग्रेच्युटी फंड भी होता है, पहले नोट किया क्या आपने, इज दिस ओके, पक्का.
अब ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्या है मैम, अगर एम्प्लॉयर को ग्रेच्युटी में भी डालना है, एम्प्लॉयर वॉन्ट्स टू कॉन्ट्री टू ग्रेच्युटी, एक्चुअल वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो अलाउ होगा, ग्रेच्युटी फंड भी क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड, एंड यू मस्ट एक्चुअली पे. ग्रेच्युटी जनरली मैं कब दूंगी, रिटायरमेंट के टाइम, लेकिन यार एकदम से 20 लाख 25 लाख ग्रेच्युटी कैसे आ जाएगा मेरे पास, सो आई डिसाइड कि ग्रेच्युटी की थोड़ी 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 प्रोविजन अभी से ही करने लगते हैं. एक्चुअली पे कॉन्ट्री टू ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड होना चाहिए, आपने एक्चुअली पे करना चाहिए, मियर प्रोविजन नॉट अलाउड. आप इससे ग्रेच्युटी का सिर्फ प्रोविजन करेंगे बॉस तो नॉट अलाउड, जब पे करोगे ना रिटायरमेंट के टाइम तब अलाउ करेंगे. हाँ, तुमको जेन्युइनली वांट टू कीप असाइड मनी, कीप असाइड द मनी एंड देन क्लेम खर्चा, जस्ट बुक्स में एक जेवी पास करके खर्चा क्लेम करने को मत आओ हमारे पास, नहीं तो लोग एडजस्टमेंट करेंगे, सीए को बोलेंगे रुक ना प्रॉफिट ज्यादा है ना, चल ग्रेच्युटी की प्रोविजन कर दे. नो, मियर ग्रेच्युटी, मियर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी इज नॉट अलाउड, एक्चुअली पेड देन वी अलाउ इट. यस, हो गया सेक्शन 36 में. और क्या है, इंटरेस्ट था, जीरो कूपन था, एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, बैड डेट्स हो गया, जीरो कूपन बॉन्ड, फैमिली प्लानिंग, एसटीटी, हाँ वेलफेयर स्कीम, ये कर दिया ना अभी, बैड डेट्स हो गया, पूरा सेक्शन 36 हो गया, सीटीटी हो गया, एसटीटी हो गया, ये देखो यहाँ पे लिख के हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, सब 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 एक्सपेंसेस हो गए. है क्या पीजीबीपी में मैम, डेप्रिसिएशन आला होगा, कभी कभी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. 35 एडी में 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस है, 35 डी में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, 35 में साइंटिफिक है, आपने क्या रिवाइज करना चाहिए इसमें से, यू शुड फोकस ऑन 32 साइंटिफिक रिसर्च, आज आपका टारगेट है. सी मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आज इधर आप आके बैठ के लेक्चर देख रहे हो, मेरा वो कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए. आई वॉन्ट यू टू रिवाइज डेप्रिसिएशन, आई वॉन्ट यू टू रिवाइज साइंटिफिक रिसर्च, एंड आई वॉन्ट यू टू रिवाइज 35 एडी 14 स्पेसिफाइड बिजनेसेस. बॉस अगर आपने ये तीन अच्छे से कर लिए तो अलाउबल एक्सपेंसिस में है ही क्या फिर बाकी, 36 में तो हमने पीएचडी कर दिया. एटीसीसीडी का स्कीम है वो अलग से लेती हूँ, एटीसीसीडी जब वो एटीसीसीडी में आऊंगी तब लूंगी, अभी नहीं. बट सृष्टि यस, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है एनपीएस में तो ऑफ कोर्स बोल देती हूँ, ही इज अलाउड टू कंट्रीब्यूट ओनली 10%. एम्प्लॉयर वो एनिमल्स वाला नहीं है पूजा, डिलीट हो गया वो सेक्शन, सिलेबस से डिलीट हो गया. एम्प्लॉयर्स कंट्री, कहां कंट्री कर रहा है, एनपीएस में. एम्प्लॉयर कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, एनपीएस में. Employer is contributing in NPS. Employer कहाँ contribute कर रहा है? NPS. NPS is the National Pension Scheme. This is covered under ATCCD. मैं scheme में पैसे डालूंगी. Pension लेके कौन जाएगा? Employee लेके जाएगा. यार तो मेरा कंट्री तो मेरे लिए खर्चा ही हो गया ना, मुझे थोड़ी कुछ मिल रहा है तो अलाभ होगा क्या? हाँ. कितना contribute कर सकते हो? Maximum up to 10% of salary. This is up to 10% of salary. ये आरंभ बैच नहीं है, ये त्रिशूल है. आरंभ इज प्री रिजल्ट, फर्स्ट वन टाइमर, फर्स्ट टाइमर के लिए. ये रिविजन है, त्रिशूल बैच चल रहा है. डन है क्या? 36 सेक्शन हो गया. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी सेक्शन 37. यस, अब क्या होता है, 37 क्या बोलता है, 37 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज जनरल डिडक्शंस. यस, ऑफ कोर्स दैट 10 इज 14% अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो. Yes, but that detail we'll study in section 80CCD. ठीक है? Are you understanding this? Yes.
पक्का? अब जनरल डिडक्शंस देखो, 30 to 36 इज एक्सप्रेसली अलाउेबल एक्सपेंसेस. आई कांट कवर ऑल सेक्शंस, ओके, आई कांट कवर ऑल एक्सपेंसेस. मैं आज आपको फिर से बोल रही हूँ, आपको रिवाइज करने 3 सेक्शंस, तो उससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कल पूछोगे, ठीक है? उससे रिलेटेड डाउट होगा तो आप कल पूछोगे. नाउ सेक्शन 30 to 36 क्या है? एक्सप्रेसली अलाउेबल allowable expenses, मतलब खास उनके लिए expression है, मतलब खास उनके लिए section बनाया गया, expressly allowable expenses. अब 37 section क्या बोलता है? 37 बोलता है, पहले तो इसकी कुछ conditions है. बेटा इस 37 की क्या conditions है? पहले the expenditure should not be covered, it should not be covered under 30 to 36. खर्चा कहाँ कवर नहीं होना चाहिए? 30 to 36 में कवर नहीं होना चाहिए. Then it should not be personal, जो कल मैंने आपको basic बताया ना, not personal, not capex, it should be related to business, it should be incurred in the relevant PY, it should be incurred in the relevant PY, it should be related to business, expenses are not covered under 30 to 36. ये सब बोला गया है. अब एक सेंटेंस नहीं था यहाँ पे, अभी यहाँ पे एक अमेंडमेंट भी है छोटा सा, दो पॉइंट्स में अमेंडमेंट है वो बता दूंगी. यहाँ पे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 22 में हुआ है, तो इफ एनीबडी इज नवंबर 22 स्टूडेंट्स एंड वाचिंग दिस लेक्चर, हियर इज एन अमेंडमेंट फॉर यू. नाउ लिसन, व्हाट्स द अमेंडमेंट, ध्यान से सुनना. सोनी रुक जा, व्हाट इज योर क्वेरी? रुक, आई टेल यू इन सम टाइम, वेट. हाँ, नवंबर 23 के लिए एप्लीकेबल है ना? यस, यू हैव टेकन लेक्चर्स फॉर एवर 23-24, देन दे आर एप्लीकेबल, डोंट वरी. अब सुनो, ऐसा करने से क्या हुआ, बहुत सालों तक यही कंडीशन थी, लीगल होना चाहिए ये कंडीशन थी नहीं पहले, तो ब्राइब वगैरह अलाउ हो रहा था. मैंने बिजनेस के लिए किसी ऑफिसर को ब्राइब दिया, बॉस पर्सनल नहीं है, कैपेक्स नहीं है, मेरा पर्सनल नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है, रेलेवेंट पीवाई में इनकर हुआ, तो ये खर्चे अलाउेबल हो रहे थे. खर्चे क्या हो रहे थे? अलाउेबल हो रहे. फिर उन्होंने 1998 के फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट डाला कि ये खर्चा क्या होना चाहिए? लीगल. अब फाइनेंस एक्ट 22 में इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया कि लीगल मतलब क्या, इट शुड नॉट बी, मतलब लीगल मतलब किस, कौन सा लॉ के तहत लीगल होना चाहिए? यार डोमेस्टिक लॉ के तहत लीगल होना चाहिए या किसी भी इंटरनेशनल लॉ के तहत भी लीगल होना चाहिए? अगर खर्चा इलीगल है तो खर्चा अलाव नहीं होगा. तो इलीगल एक्सपेंडिचर होगा तो अलाव नहीं होगा, जैसे ब्राइब है तो इलीगल एक्सपेंस इज नॉट अलाउड. यार इलीगल एक्सपेंस इज नॉट अलाउड, तो लोग बहुत जुगाड़ करते हैं अपने, बोला ये इलीगल है डोमेस्टिक लॉस के हिसाब से इलीगल है, या बोला डोमेस्टिक में अलाउड है, इंटरनेशनल लॉस के हिसाब से इलीगल. ए इलीगल इज इलीगल, लेट इट बी इलीगल एज पर डोमेस्टिक लॉस, लेट इट बी इलीगल एज पर इंटरनेशनल लॉस. तो ये क्लैरिफिकेशन फाइनेंस एक्ट 22 ने क्लैरिफाई किया कि ये इलीगल कौन से एक्ट के तहत इलीगल होना चाहिए, भले वो डोमेस्टिक लॉज हो या वो इंटरनेशनल लॉज हो. कंक्लूजन, illegal expense is not allowed, expenditure can be illegal as per which laws? As per either domestic laws या international laws. कौन से लॉ के तहत नहीं अलाउ होना चाहिए? इलीगल होना चाहिए, डोमेस्टिक भी हो सकता है इलीगल. ये क्लैरिफिकेशन किसने दिया? ये क्लैरिफिकेशन फाइनेंस एक्ट 22 ने दिया. दिस इज एन अमेंडमेंट फॉर मे 23 एग्जाम. अब देखो मैम, डेप्रिसिएशन, यार डेप्रिसिएशन 32 में अलाउड है, 37 में आने का इश नहीं. साइंटिफिक रिसर्च 35 में अलाउड है, उधर ही जाओ, उसके रूल्स अप्लाई करो. हाँ, अब देखो सैलरी टू स्टाफ कहीं पे भी 32-36 में अलाउड नहीं है, तो स्टाफ का सैलरी, स्टाफ को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, उनके वेलफेयर एक्सपेंसेस, ऑफिस के रेंट, बॉस ये सब 32-36 में कवर नहीं है, इसलिए वो 37 में अलाउ होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 37. यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन कि यार क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, कैपेक्स नहीं है, पर्सनल नहीं है, तो आपको वो खर्चा अलाउ करना पड़ेगा, आपको वो खर्चा अलाउ करना पड़ेगा. समझ में आ गया? सो 37 सेक्शन इज डन. 37 में दो तीन क्लैरिफिकेशन है कि सीएसआर
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR expenses are not allowable. CSR expenses ये allowable नहीं है, तो CSR expenses allowable नहीं है. मैम एक लॉ में अलाउड लीगल है, एक में इलीगल है, तो नहीं अलाउड बेटा. कोई भी लॉ में इलीगल हो गया तो खर्चा नहीं होगा, डोमेस्टिक लॉ में हो या इंटरनेशनल लॉ में हो. अब सुनो, CSR expenses are not allowable. CSR expenses are not allowable. Advertisement in brochure of a political party not allowable. In brochure of political party not allowable. Not allowable. Advertisement in brochure of political party not allowable expenses. समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? सेक्शन 37 में बहुत सारे खर्चे जो अलावेबल होते हैं. बिजनेसमैन की तरह सोचो, क्या ये खर्चा अलावेबल होगा या नहीं होगा. सो पता है मैंने कौन सा पार्ट कंप्लीट कर लिया आपके साथ? पार्ट वन मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पार्ट टू डिसअलावेबल, सॉरी पार्ट टू अलावेबल एक्सपेंसेस. अब दो ही छोटे पार्ट्स बचे, थोड़ा आज और थोड़ा कल. तो कल हमारा पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा. तो पीजीबीपी के तीन पार्ट्स होंगे, पीजीबीपी पार्ट वन, पीजीबीपी पार्ट टू एंड पीजीबीपी पार्ट थ्री, एंड एंटायर पीजीबीपी विल बी कंप्लीट. हाँ, देन यू कैन स्टडी. और वो तीन सेक्शंस पे मैं फिर से रिकैप करूंगी, 35, 35 AD और डेप्रिसिएशन 32. ठीक है, उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कार का एक स्पेशल रेट है, तो उसमें बहुत डिटेलिंग है. तो फिर से वो तीन सेक्शंस अपन डिटेल में जाएंगे, मतलब थ्योरी से देख के लेंगे, बुक में से. तो कुछ भी पॉइंट्स होंगे तो विल डिस्कस इट. या सो आर वी डन विद दिस? या 37 ये क्या हो गया? जब भी आप पढ़ाई करने को बैठो, जरूरी नहीं आप पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ो. यू कैन ब्रेक इट अप इन स्मॉल पार्ट्स एंड स्टडी, क्योंकि आपको इतना टाइम शायद मिलेगा भी नहीं. अगर आपकी ग्रुप टू की क्लासेस चल रही है, ग्रुप टू की भी पढ़ाई चल रही है, तो आपको वो ब्रेक इट इन स्मॉल पार्ट्स एंड स्टडी करना पड़ेगा. सो देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने ले लिया. अब मुझे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक चीज बोलनी, वो बोलती हूँ. फिर अलावेबल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर इस चैप्टर के होते हैं डिसअलावेबल एक्सपेंसेस, और आखिरी वाला पार्ट होता है, दिस इज वन, दिस इज टू, थ्री, एंड देयर इज अ फोर्थ पार्ट विच इज टैक्स ऑडिट एंड प्रिजम्प्टिव बेसिस. टैक्स ऑडिट एंड प्रिजम्प्टिव बेसिस. मेरा जैसे ही कल पीजीपीपी खत्म हो जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पीजीपीपी आपके ओर से पूरा पढ़ के अच्छे से रिवाइज करके खत्म कर दें. ठीक है, यस. अब देखो, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ बताना है. जैसे कि शेयर्स, अगर मैं शेयर्स का ट्रेडिंग कर रही हूँ, शेयर्स सेल कर रही हूँ मैं, पता है इसमें दो ऑप्शंस होते हैं. शेयर्स अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करके है, ओके सुन के लो. पहले मैंने चैप्टर को चार पार्ट्स में डिवाइड किया. मैं जब पढ़ाती हूँ चैप्टर को कॉन्सेप्ट में डिवाइड करती हूँ, है ना. तो हमारी रामबाण में कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो मेरे पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का. एक सेक्शन नहीं समझा तो मैम बोलो वो सिखा दो, वो मैं फिर से पढ़ता हूँ, फिर से रिवाइज करता हूँ. पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का, और मेरे सब्जेक्ट को तो बदनाम करने का इच नहीं. हाँ, अब सुनो, ब्रोशर मंजे पैम्पलेट रे, पैम्पलेट बुकलेट, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमारे क्या क्या ये नहीं होते कि हमारे क्या क्या मुद्दे क्या क्या है हमारे, ऐसे देते ना. हाँ, सबके होते हैं ना ब्रोशर और पैम्पलेट्स, तो एवरीबडी विल हैव नाउ ब्रोशर एंड पैम्पलेट्स. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. देखो मैं, हाँ एक मिनट नवीन, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, वन मिनट लिसन. हाँ देखो, तो मैंने ये पार्ट कवर कर दिया, ये पार्ट कवर कर दिया. अलावेबल एक्सपेंसेस में मैं तीन सेक्शंस को फिर से रिकैप करा दूंगी. 35 AD माने स्पेसिफाइड बिजनेस, 32 मतलब डेप्रिसिएशन, और सेक्शन 35 मतलब साइंटिफिक रिसर्च. हाँ, अब सुनो, अब मैं बात कर रही हूँ शेयर्स की. शेयर्स अगर जब मैं बेचती हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चमेली. चमेली इज होल्डिंग, शी इज अ सैलरीड पर्सन.
चमेली कौन है? एक सैलरीड पर्सन है, वो इंफोसिस में जॉब कर रही है। तो चमेली के पास शेयर्स है, उसने खरीद के रखे कि जब शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तब मैं इन्वेस्ट करूंगी, इन्वेस्ट करके रखूंगी, बढ़ेगा तब मैं बेचूंगी आराम से, मतलब ऐसा रोज बैठ के वो ट्रेडिंग नहीं करती है। सो फॉर चमेली द शेयर्स शी इज हैविंग इट एज इन्वेस्टमेंट, मतलब दीज शेयर्स आर कॉल्ड एज हर कैपिटल असेट। तो ये कैपिटल असेट को जब बेचेगी तो इसके ऊपर जो आएगा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट के ऊपर जो अराइज होगा कैपिटल गेन आएगा। तो कैपिटल गेन के चैप्टर के हिसाब से इसका इनकम कैलकुलेट किया जाएगा। आपको कैपिटल गेन्स आ गया तो आपको कैपिटल गेन्स में जाना पड़ेगा और उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर दी शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आई एम डूइंग ट्रेडिंग एवरी डे, हाँ, तो चमेली जो है वो सोचती है कि यार बस बोर हो गया अभी मेरे को जॉब, मैं छोड़ देती है जॉब। वो सोचती है मैं जॉब छोड़ के क्या करेगी, मैं रोज ट्रेडिंग करेगी, एवरी डे एट 9:30 10 व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स आई विल डू ट्रेडिंग, एंड जैसा ही 3:30 मार्केट खत्म हो जाए तो उतना ही ट्रेडिंग, 3:30 के बाद आई एम फ्री, मैं वैसा ही करने वाली हूँ। सो शी डिसाइड्स, शी स्टडीज इट एंड शी टेक्स दिस एंड शी डिसाइड्स टू डू इट। बेटा नाउ द शेयर्स आर हेल्ड एज हर स्टॉक इन ट्रेड, एनीथिंग टू डू विद स्टॉक इन ट्रेड, अगर जब वो ये सेल करेगी तो देयर विल बी पीजीबीपी, तो आपको पीजीबीपी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये फंडा तो क्लियर है, कॉमन क्या है, चमेली को बोलना इन शेयर्स पे अगर उसको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड हमेशा आईओएस में जाएगा, भले वो डिविडेंड बिजनेस वाले स्टॉक पे मिले या इन्वेस्टमेंट वाले इस पे मिले, वो डिविडेंड विल ऑलवेज गो अंडर आईओएस। और एक और बात, पीजीबीपी में हमने देखा एसटीटी इज अलाउएबल एक्सपेंसेस, क्यों? जब पीजीबीपी में जा रहा है तो आपको पीजीबीपी के तौर और तरीके अपनाने पड़ेंगे। पीजीबीपी बोलता है एसटीटी इज अलाउएबल एक्सपेंसेस, लेकिन जब आप कैपिटल गेन्स करते हैं, क्या करते हैं आप कैपिटल गेन्स में, कैपिटल गेन्स में एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर होता है, क्या होता है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, यहां एसटीटी इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, योर एसटीटी अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं होता, एक्सपेंडिचर एसटीटी का खर्चा अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स। डन है? मैम आप बोलोगे मैम एक जगह एसटीटी अलाउड है, एक जगह एसटीटी नहीं अलाउड है, पीजीबीपी बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कैपिटल गेन बोलेगा हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तो जिस हेड का आप ये कर रहे हो उसके रूल्स अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी होता है। गेटिंग इट? यस। सो आई डू वन मोर स्मॉल सेक्शन, सो बाय 12:30 देन द क्लास इज डन, मतलब फिर कल आई थिंक अपना डिसअलाउएबल बहुत छोटा ही है और प्रिजम्प्टिव में भी इतने सेक्शन नहीं है, तो वो सब अपना कल पीजीबीपी कंप्लीट हो जाएगा। देन आई थिंक 2 lectures मुझे सैलरी वगैरह के लिए जो भी लगेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। आज क्या थर्सडे है क्या? फ्राइडे में लूंगी, सैटरडे आई एम नॉट श्योर, सैटरडे मे बी आई हैव एन ऑफ फॉर द मॉर्निंग बैच ऑल्सो, दिस ऑल्सो आई मे नॉट टेक इट, देन आई टेक इट ऑन मंडे, बट देन फिर हम कुछ ऐसा प्लान करेंगे, मैं सैटरडे, नो संडे, नो सैटरडे, आई एम ऑफ नाउ डेज टिल माई रेगुलर बैच डजंट स्टार्ट, नाउ ऑल संडेज आर अ हॉलीडे, अभी तो मुझे वीकेंड ऑफ है, सैटरडे संडे इज ऑफ फॉर मी राइट नाउ, आपको आदत हो गई ना संडे की, जब मेरी अभी रेगुलर बैच स्टार्ट होगी ना तब मेरा संडे स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी मुझे, मेरे लिए भी उतना ही,
हाँ जो शब्द तूने यूज किया, आई डोंट लाइक टू यूज इट, आई डोंट लाइक टू से दैट बिकॉज आई लव टीचिंग, सो इट्स नॉट टॉर्चर फॉर मी. एनीवेज ओके चलो अब सुनते हैं, अभी 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 क्या समझेंगे. अब एक छोटा सा सेक्शन लेती हूँ, डिसअलावेबल एक्सपेंसेस की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. तो एक दिन बैठ के अलावेबल पढ़ो, एक दिन बैठ के थोड़ी देर डिसअलावेबल अलावेबल, ऐसे ब्रेक इट अप एंड स्टडी. नाउ देखो डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. ओके पलक लिख के लग बेटा, लिख के रखो. आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट इज टू बी डन, है ना. अब देखो डिसअलावेबल एक्सपेंसेस में क्या क्या है. देर इज 40 स्मॉल ए, देर इज 40 बी, 48 2 48 3, बाकी दो सेक्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए. 40A7, 40A9, ओहो एंड 43B, ये इतने से इंपॉर्टेंट नहीं है. ये 40A7, 40A9 डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑलरेडी पढ़ा दिए, ठीक है. अब हाँ 43B लिखा ना, 43CA, एक CA इधर है कि तुम्हारे फोर्थ पार्ट में, मुझे नहीं पता, जिधर भी है मैं कवर कर लूंगी. इतने ही अभी तो. अब सुनना, मैं पहले ये इतने सेक्शंस कवर करती हूँ. अब देखो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ये दो से. ओके बहुत इजी और सिंपल है इसलिए इन दोनों से स्टार्ट करती हूँ, तो ये दो खत्म भी हो जाएंगे. सो 48 2 पहले जो आता है वो कैश वाला है. पहले क्या, नहीं पहले रिलेटिव्स बाद में कैश, है ना. तो अगर तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, 48 2 पहले क्या है, रिलेटिव्स. मतलब व्हाट इज 48 2 क्या बोलता है, मैं बोलती हूँ सुनना. हाँ अब देखो पेमेंट डन टू रिलेटिव्स, किसको पेमेंट किया. तुम लिखते जाओ, तुमको ना इसका इंपॉर्टेंस तभी समझेगा जब तुम लिखते जाओगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. यू अंडरस्टैंड पेमेंट डन टू रिलेटिव्स. कहाँ 3 3.5 hours में पूरा पीजीबीपी रिवाइज होगा तुम्हारा, अभी हो रहा है ना यहाँ पे, तो 3 lectures में तो हो भी गया पीजीबीपी. अब आपका टारगेट ये पूरा जाके पीजीबीपी खत्म करना है. अब देखो पेमेंट डन टू रिलेटिव्स इज डिसअलावेबल, लेकिन कब डिसअलावेबल होगा. इज डिसअलावेबल इफ इट इज अनरीजनेबल. अनरीजनेबल तो अगर ना रिलेटिव्स के साथ हम लोग ना थोड़ा जुगाड़ कर सकते हैं. हाँ पहले परिवार फिर पैसा, बिल्कुल. तो पहले यहाँ रिलेटिव्स की बात हो रही है. रिलेटिव हो सकता है या यहाँ हो सकता है पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पर्सन हैविंग व्हाट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है. हाँ अब पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को आपने अनरीजनेबल पेमेंट किया, क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे दिया जाएगा प्रिंटिंग बिल. आपने प्रिंटिंग बिल आपके भाई ब्रदर को पे किया, आपने पेमेंट किया 40,000, बट मार्केट में उसी काम का फेयर मार्केट वैल्यू इज 32,000, तो क्या होगा. व्हाट इज अनरीजनेबल, अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ 8,000 विल बी डिसअलावेबल या नॉट अलावेबल एक्सपेंडिचर. दिस इज अ डिसअलावेबल एक्सपेंडिचर. 48 2 पेमेंट डन टू रिलेटिव्स और पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली बात है. यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो हु इज अ रिलेटिव फॉर दिस सेक्शन, यू मस्ट नो हु इज अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. बिल्कुल आपको यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव कौन है और पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कौन है. Do you understand? So, मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाती हूँ, आप भी आपके नोट्स ओपन कीजिए. वहां पे रिलेटिव पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक बार एग्जाम में क्या हुआ था वो मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे आपके साथ. 114 ओके. हाँ देखो इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव्स कौन है, हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर एनी लीनियल असेंडेंट और एनी लीनियल डिसेंडेंट. असेंडेंट मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, डिसेंडेंट मतलब बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसा है ना.
यस असेंडेंट एंड मतलब एक लीनियर लाइन होती है, तो आपके पूर्वज या आपके आगे की जो पीढ़ी होती है वो. सो इट्स अ सिंपल थिंग, लीनियर असेंडेंट एंड लीनियर डिसेंडेंट. ये बहुत जरूरी है. अभी मैं बोलती हूँ आपको क्यों ये जरूरी है. सी तुमको ये सेक्शन पता है कि रिलेटिव का पेमेंट है तो अनरीजनेबल है. तुमको पता है एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मिस्टर एक्स मेड अ प्रिंटिंग स्टेशनरी बिल पेमेंट टू ब्रदर इन लॉ. सेम एग्जाम्पल 40,000 एंड मार्केट प्राइस 32. बच्चे क्या करते, हो गया, क्या कर देते, उसको डिसअलाउ कर दिया. डिसअलाउ हुआ ही नहीं क्योंकि 48(2) रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर ही नहीं हुआ, तो वो सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है. फिर तुम बोलते हो मैम पेपर ट्रिकी आ गया. ऐसे ट्रिकी होता है पेपर, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ आपको पढ़ाया नहीं है, बट वो चीज पे हमने ये नहीं किया हुआ है. इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये रिलेटिव की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. पीजीबीपी सैलरी, एक एक छोटी से छोटी चीज आपको पढ़ना है. रामबाण, इसलिए मैं बोलती हूँ जिस दिन आप बोलोगे ना मेरे नोट से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, तब आके पूछना मैम हम कहाँ से पढ़ ले. थ्योरी मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग नहीं है. हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको करने ही पड़ेंगे. मॉड्यूल करना है तो मॉड्यूल तो कवर नहीं है, खैर आपको बाकी का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब आरटीपी एमटीपी वगैरह करना चाहिए आपने. तो यहाँ रिलेटिव के डेफिनेशन क्या, आपको लिखना है तो आप लिख के लो. 48(2) के उधर ही लिखना है तो लिखो. रिलेटिव इज हस्बैंड वाइफ माने स्पाउस, स्पाउस ब्रदर सिस्टर आ गए, लीनियल असेंडेंट्स आ गए और डिसेंडेंट्स आ गए, दैट्स इट. ब्रदर इन लॉ इज नॉट अ रिलेटिव, तो वहां पे आप एग्जाम्पल लिखो कि नोट ब्रदर इन लॉ ये रिलेटिव नहीं है. दिमाग को पहले ये काम पे लगा दो. आपके सिर्फ पूर्वज और आपके बच्चे बस वो रिलेटिव है, ब्रदर सिस्टर है वो ही है. यहां होली डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. हेता तू लॉ मत बना, तुम एक्ट मत बनाओ, वो कहीं और है तो वहीं है. तुम कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, इस टाइप की क्वेरी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है. वो होली डिपेंडेंट वगैरह है वो जीएसटी में है कि ब्रदर सिस्टर वो वहां. क्या मैम ऐसा लर्न करना पड़ता है? करना पड़ता है, सीए करना पड़ता है तो ये सब करना पड़ता है. सबने किया है, हमने भी लर्न किया है. ठीक है, हेता समझी क्या? यस यहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है, हर जगह रिलेटिव की डेफिनेशन. अरे ये क्या इनकम टैक्स में तुमको नहीं पता, 80C में अलग है, 80D में अलग है, DD में अलग है, तो हर एक का तुमको वैसे सीखना ही पड़ेगा ना बेटा. हाँ गिफ्ट में अलग है. मदर एंड ब्रदर इज कवर्ड इन लीनियल असेंडेंट, राइट, करेक्ट करेक्ट. हेता गिव मी अ थम्स अप. ओ गॉड, चलो ये डन. अच्छा ये हो गया. अब सब एचयूएफ बाकी के लोगों के लिए क्या है? फर्म के लिए पार्टनर रिलेटिव बनेगा या पार्टनर्स के रिलेटिव, एचयूएफ एओपी के लिए उनके मेंबर्स रिलेटिव बनेंगे. ओके या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मतलब मैम 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग, 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स, 20% और मोर इक्विटी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स, प्लीज नोट डाउन. पीजीबीपी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप क्या करना, एक दो दिन में अगले वीक में डिडक्शंस आप पढ़ के आ जाना, मैं डिडक्शंस पे आपको वो कहूट पे टेस्ट दे दूंगी. तो आप डिडक्शंस जैसे कुछ छोटे टॉपिक्स है, डिडक्शंस का मैं एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जहां पे मेरे पास है, तो मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगी कि डिडक्शंस, एक आध लेक्चर में प्री रिकॉर्डेड भी डाल दूंगी, फिर डिडक्शंस का अपन टेस्ट करेंगे. तो ऐसा अपन शेड्यूल नहीं, मेरा सैटरडे तक नहीं होगा, आज थर्सडे, आई शुड हैव टाइम टू क्रिएट अ टेस्ट फर्स्ट. सो मैं बताती हूँ. हाँ 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 ठीक है, लेक्चर में दे सकती हूँ. यस हाँ, जिस दिन फिर मैं नहीं हूं तो डिडक्शंस का ऐसे कर सकते हैं, है ना. या सो डिडक्शंस लर्न करो, तो डिडक्शंस की वो टेस्ट करेंगे, तो वो एमसीक्यू से टेस्ट करते जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो ऐसे मेरे साथ आप जुड़े रहो. तो जरूरी नहीं मैं सब कुछ आपका कवर नहीं करूं, बट मेजर पार्ट कवर कर दूंगी. आए कि आपको क्या दे दूंगी, एक डायरेक्शन दे दूंगी कि चलो डिडक्शंस कर लो, ऐसा कर लो. हाँ तो ऐसा अपन करते चलेंगे, ठीक है. ओ माई गॉड, स्टेप चिल्ड्रेन शुड बी अलाउड. यस स्टेप चिल्ड्रेन अलाउ होंगे. हाँ हाँ सबके लिए टेस्ट होगा. हाँ हाँ चलो. पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब यस 20% और मोर.
okay, what is it? It is 20% or more voting power. अच्छा लेकिन कहूट का टेस्ट मैं इधर ऑनलाइन नहीं लूंगी, अभी अपने को टाइम पास नहीं करने का, इधर टेस्ट लिया तो मस्त 40-45 मिनट पोडियम पे कौन है वो नहीं करने का अपने को, मैं टेस्ट दे दूंगी आप करके आना. अरे पढ़ाई करने अभी अपने को टाइम पास नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस त्रिशूल बैच है, सीरियस बैच है, कम ऑन. ओके ये डन है क्या? मतलब रिलेटिव डन है. ये गलती करने का स्पॉट होता है बच्चों का, तो यहां फोकस करो रिलेटिव और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. आर वी डन विद दिस? यस. तो ये कौन सा हो गया? सेक्शन 40A2. 40A3 में कल कवर करती हूँ. 40A3 में कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 इज नॉट अलाउड. 40A3 में क्या नहीं होता है, ओवरऑल एक मोटा मोटी बोल देती हूँ कि कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर अगर आपको किसी भी खर्चे का पेमेंट करना है तो आपको कैश में करना अलाउड नहीं है. कैश में नहीं है, बेयर चेक में नहीं है, अकाउंट पे चेक में है. अकाउंट पे चेक इज अलाउड. क्या क्या अलाउड नहीं है, आई विल टेल यू. किधर है मेरा नोटबुक? ओह माय गॉड, मैंने अभी क्या बनाया है? सेक्शन 1, सेक्शन 3. हाँ ठीक है, देखो यहां इंपॉर्टेंट है रिलेटिव की डेफिनेशन. अब है 40A, क्या 40A3 अबाउट 10,000 का पेमेंट करने का है. अबाउट 10,000, ओ बेटा क्या करने का, अबाउट 10,000 पेमेंट. कैश में अलाउड है? नो. बेरर चेक? नहीं. क्रॉस, क्रॉस चेक नॉट अलाउड. अकाउंट पे चेक अलाउड. अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट अलाउड. ईसीएस मोड अलाउड. ईसीएस मोड में सब आ जाता है, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब ट्रेस करना पॉसिबल है, ये सब पेमेंट अलाउड है. ये प्लीज आप नोट कर लीजिए. एंड द लिमिट इज 35,000 पेमेंट टू, इफ पेमेंट इज टू अ ट्रांसपोर्टर. बेटा ये मैं डिटेल में अभी नहीं कवर करूंगी, लेक्चर अभी स्टॉप करेंगे, तो ये मैंने रफ में डिस्कस दिया, एक मोटा मोटी आपको दे दिया. कल आई विल स्टार्ट विथ 40A3. सो 40A3 बचे हुए सेक्शंस और बचा हुआ पार्ट हम पीजीबीपी का कल खत्म करेंगे. कल का लेक्चर भी हम लोग 10:45 को स्टार्ट करेंगे. सो आई विल स्टार्ट द क्लास टुमारो एट 10:45 ओनली. ओके आज मैं स्पेयर माइक वगैरह मेरे स्टूडियो से लेके आई थी कि माइक वाज हैविंग अ प्रॉब्लम ना, बट टुडे इट डिडंट, सो टुमारो नाउ इट इज ऑल स्मूथली, टच वुड. डोंट टेल मी 2-layer कंपनी एंड 3-layer. यू लर्न दैट इन कंपनीज एक्ट, कीप इट देयर. इफ देयर इज 20% शेयर होल्डिंग, योर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है, चलो. सो हाउ वॉज द क्लास? आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. स्टडी इट, शेयर दिस लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू टुमारो एट 10:45. थैंक यू डियर स्टूडेंट, सी यू टुमारो. बाय बाय बाय. कल अपन क्या करेंगे? पीजीपीपी खत्म करेंगे. यस बाय. पीडीजीडी लाइव स्ट्रीमिंग.